गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो मैं आज आपको अपनी बेटी से मिलाता हूँ। ये है मेरी स्वीट गर्ल, मेरा जिगर का टुकड़ा। पापा हाय करो, हाय से, हाय इधर सामने देखो, यहाँ देखो पापा की तरफ, हाय करो, हाय। हाँ चलो ऊपर चलो, वेरी गुड। कहाँ जा रहे पापा आप? यहाँ देखो, कहाँ जा रहे आप? यहाँ देखो, माता के पास जा रहे। अच्छा गाइस, ये है मेरी बच्ची, इसका नाम है रियांशी, हम प्यार से बोलते रिशु। तो ये भी जा रही है माता के पास आज। हाँ ये देखिए, विंटर कार्निवल की तैयारी इस तरह से चली हुई है, मैं आपको क्या ये बताऊँ। देखिए बिल्कुल माल रोड को पूरा चमका दिया है यहाँ के प्रशासन ने, क्योंकि 2 तारीख को विंटर कार्निवल आ रहा है, तो स्पेशली टूरिस्ट के लिए ही ज़्यादातर ये बनाया जाता है विंटर कार्निवल, जिसमें कि टूरिस्ट आएंगे और लोकल संगीत एंड जो आपका बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पर बजते हैं, बहुत ही मस्त फीलिंग आएगा आपको। एक बार आप जरूर 2 जनवरी से विंटर कार्निवल स्टार्ट है, आप भी आइए और विंटर कार्निवल का फुल मज़ा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेटअप अभी हुआ है, यहाँ पर सिर्फ जो लेडीज़ है यहाँ की, उनके लिए यहाँ पर जैसे सिखाते हैं कि भाई आपने कैसे कैसे वहाँ पर परफॉर्मेंस करना है। तो ये हमारी शैतान गुड़िया है, बहुत पंगे करती है, कभी तार पकड़ रही है, कभी क्या पकड़ रही है, इसके साथ मतलब बाजार जाना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखिए माँ हडिम्बा, ये बिल्कुल नज़दीक है माता हडिम्बा के पास जाने वाले हम लोग, बहुत टाइम के बाद मैं खुद भी जा रहा हूँ। नमस्ते, अगर ढूंगरी आ रहे हो तो ड्रेस लगाना होगा, तो इनको पहचान लेना ठीक है। ये आपको ड्रेस पहना देंगे, ये हमारे साली जी है, ये हमारी करती धरती माँ हडिम्बा। तो लाइन का तो कोई हिसाब नहीं है मेरे भाई, इतनी लाइन तो आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी जितनी लाइन यहाँ पर होती है। तो आज खासकर आज संडे भी है उस वजह से भी, पर लाइन तो ऐसी रहती है। ये मंदिर बहुत बड़ा है, चारों तरफ से लाइन लगी हुई है, वो सामने देख रहे हैं ना, वो आगे, वो सामने से देखो कहाँ से लाइन लगी हुई है। ये देखिए यहाँ से शुरू होती है लाइन, ये देखिए ये भैया खड़े हैं काफी टाइम से, मुझे पता है ये पहुँचेंगे, पर शाम तक पहुँच जाओगे आप। नहीं नहीं, 10 मिनट का जाम नहीं है, कोई नहीं। ये देखिए भैया बोल रहे कि जाम नहीं है बिल्कुल भी, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये लाइन है, ये देखिए ये मंदिर के बैक साइड से मिलकर फिर से मंदिर में जाएगी, तो काफी टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा वेटिंग है। चलो हम कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, अगर हो पाता है, पर मैंने तो माता के दर्शन करने हैं, मेरे को तो शाम तक रुकना पड़ेगा, फिर भी मैं चेक करता हूँ एक बार। ये देखिए काफ़ी लाइन है, अभी मैंने स्टार्ट किया है 2:11 पे, अब देखते हैं मेरा नंबर कितने बजे लगता है, मैं आपको वो नोट टाइम नोट करके बता दूंगा कितने बजे मेरा नंबर लगा था और कितने बजे मैंने अंदर विजिट किया माता के पास। काफ़ी लंबा लाइन है, अभी मेरे दोस्त भी आ रहे हैं मिलने के लिए, अभी उनको भी मैं बोलूँगा लाइन में आने के लिए, मिश्रा जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आ रहे हो तो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है, मंदिर ओपन हो जाता है, तो उसके बाद आप आओ जल्दी से, और 7 बजे आओ या तो फिर शाम को 5 बजे के बाद आओ, उसके बाद क्राउड कम हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो दिन को तो भाई, अब आज मैं भी फंसा क्योंकि लेट हो गया, क्योंकि वाइफ वगैरह के साथ थोड़ा मुश्किल होता है आने का, तो इस वजह से मैं भी लेट हो गया था आज। पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, सुबह आइए और शाम को भी, अगर आप लेट हो रहे हो तो शाम को आइए, बिल्कुल शाम को।
माता के दर्शन करने को इजी मिल जाएंगे, नहीं तो फिर लाइन में बैठना पड़ेगा पूरा दिन। गाइस तो मिश्रा जी हमें मिल चुके हैं, ये देखिए यूपी से स्पेशल, ये काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने बताया था कि भाई मैं आऊंगा, तो मैंने इनको थोड़ा डेट बढ़ा के बताया था कि भाई इस टाइम आपने आ जाना है, तो ये 31 को ही आ गए जिस टाइम बहुत ज्यादा क्राउड होता है। पर चलिए मिश्रा जी के साथ कल का दिन पूरा काटेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये है भगवान घटोत्कच जी, अगर माता हिडिंबा के दर्शन किए तो उसके बाद यहाँ पर भी आप जरूर आए, क्योंकि यही तो एक व्यक्ति है जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। तो ये हमारे देवता नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब इनसे हमें सीख मिलती है कि हर एक चीज़ की। तो भाई अपना अगर कभी भी आप अपने धर्म से भटक रहे हो तो धर्म को भटकने मत दो, संभालो उसको और हर चीज़ को कंट्रोल में रखो, सबसे पहले तो भगवान ने, क्योंकि इनसे आगे कोई भी नहीं है। तो मार्केट तो आपके पास है ही है, मतलब मार्केट घूमना तो आप घूम सकते हो। ये है हमारी भुक्कड़ बच्ची जिसको खाने के लिए चाहिए, वेट नहीं होता बिल्कुल भी इससे। वो यहाँ देख भुक्कड़, हेलो यहाँ देख, हाई कर, हाय हाँ, इधर देख सामने, यहाँ देख फोन को देख। तो रही बात स्नो की, तो स्नोफॉल आपको पता ही, आपको अटल टनल के आसपास ही देखने को मिलेगी। आप चाहे सिसु जाओ, अटल टनल जाओ, खुकसर जाओ, तो स्नोफॉल आपको उसी साइड देखने को मिलेगा, बाकी जगह स्नोफॉल नहीं देखने को मिलेगा। और आपका लाइव स्नोफॉल के चांस आज के थे, पर बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सा मौसम रहा, आज का भी धूप लगी हुई थी तो स्नोफॉल फिर भी नहीं हुआ। अब देखते हैं 2 या 3 तारीख का वेट करते हैं, अगर उस टाइम स्नोफॉल होता तो मैं आपको फुल अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली को भी प्यार दीजिए एंड कमेंट करना ना।